हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हो। आप इस वीडियो में देख सकते हो आप चेन्नई पे कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है परेरेनन अन्ना मेमोरियल। ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरी के याद में बनाया गया था। ये है मरीना बीच। ये है वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट अर्बन बीच। ये है क्रोकोडाइल बैंक। ये चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्रोकोडाइल ही नहीं, क्रोकोडाइल के अलावा भी बहुत सारे पाइथन के प्रजाति, लेजर्ड एंड कछुआ देखने को मिलेगा। ये है कपालेश्वरा टेम्पल। यहाँ पे मेनली शिव जी का पूजा होता है और ये बनाया गया था 17th सेंचुरी पे।
ये है पुलिकेत लेक, इसका लेंथ है 60 किलोमीटर। यह है सेमोसी पुंगा, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर आपको बच्चों के खेलने कूदने के लिए बहुत सारे मेरी गोडाउन देखने को मिलेगा। यह है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके अंदर आपको 450 साल से भी पुराने पेड़ पौधे देखने को मिलेगा। गुड़ियाम केप, यहाँ पे ट्रैकिंग करने में आपको बहुत ही मजा आएगा एंड पहाड़ के एकदम ऊपर से नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है। ये है एडवर्ड एलियट्स बीच,
मछली के शरीर में ये जो कांटा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आप इस टाइप का मछली किसी भी समुंदर पे देखते हो तो इस टाइप के मछली से बच के रहना। यह है क्वींसलैंड एम्यूजमेंट पार्क। यह है तमिलनाडु के जू और इसका नाम है अन्ना जूलॉजिकल पार्क। यह है मत्स्य नारायणा टेम्पल। यहाँ पे मेनली विष्णु देवता के पूजा किया जाता है और यहाँ पे आपको 108 पिलर्स देखने को मिलेंगे।
ये है महाबलीपुरम, चेन्नई से इसकी दूरी अप्रोक्स 60 किलोमीटर है। तो यही था वो जगह, अगर आप चेन्नई पे आते हो तो ये सब जगह पे आप घूम सकते हो। मैंने चेन्नई गया था बाय ट्रेन, मैंने चेन्नई पे 2 दिन स्टे किया था। मुझे चेन्नई में 2 दिन का फूडिंग कॉस्ट पड़ा 1000 रुपए। चेन्नई पे मैंने जिस हॉस्टल पे स्टे किया था उस हॉस्टल का कॉस्ट पड़ा पर डे का 500 रुपए। मेरा चेन्नई का टोटल ओवरऑल बजट था 5500 रुपीज। मैंने चेन्नई में स्कूटी लिया था, स्कूटी का रेंट है पर डे का 300 रुपए। यही है आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।